الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم और इंतहाई दुख अफसोस और दिल में एक दर्द रखते हुए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे एक कज़न, हमारे जो कज़न हैं उनके दोस्त हैं जो कि हमारी मेरी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं ख़ानदान का सबसे बड़ा हूँ, सही है। तो उसको जो है वो कत्ल कर दिया गया है। ज़ुबैर अज़ीज़, अल्लाह पाक ज़ुबैर अज़ीज़ की मग़फ़रत फरमाए। सीन कुछ यूँ हुआ मेरे भाई कि ज़ुबैर अज़ीज़ जो कि गाड़ियों के काम से मुंसलिक था और अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास बनवाने जाता था, तो गुलशन में उस मैकेनिक की शॉप थी, वहाँ पर वो गाड़ी बनवाने जाता था। तो वहाँ पर जो है उस मैकेनिक का किसी से फड्डा हो गया, यानी कि मैकेनिक का सुनने में आया कि मैकेनिक से ही फड्डा हुआ, लेकिन मामलात में ये ज़ुबैर अज़ीज़ भी कूदा या फिर इसने फड्डा रुकवाने की कोशिश की। तो उस दिन तो ये बात हो गई, वो लड़के चले गए वहाँ जो फड्डे के लिए आए हुए थे। मगर उसके कुछ दिनों बाद ज़ुबैर अज़ीज़ का अपने मैकेनिक के पास दोबारा जाना हुआ, जो वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो काम के वाले से गया हुआ था। तो वहाँ पर सीन ये हुआ कि मेरे भाई वो डिग्गी खोल के खड़ा हुआ था, जो मुझे मालूमात मिली है, तो जो जिनसे फड्डा हुआ था इस मैकेनिक का जिससे ज़ुबैर अज़ीज़ काम करवाता था, उन्होंने पीछे से आके उसको स्क्रू ड्राइवर के वार करके कत्ल कर दिया। तो बड़ा जो है मुझे दुख है इस हवाले से। यंग लड़का था, बिल्कुल यंगस्टर था, और अपने घर मतलब माशाल्लाह से उसकी बच्चियाँ भी थी, और अपने घर का ब्रेड अर्नर था, अपने घर का कफील था। उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी कल, यानी कि जुमरात के रोज़ उसका नमाज जनाजा है। तो ये अल्लाह पाक उसकी मग़फ़रत फरमाए। और इस तरह की जो मैंटेलिटी रखते हैं, जो चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों चाहे अनपढ़ हों, जो किसी की जान लेने से पहले ये नहीं सोचते कि ख़ुद तो वो सलाखों के पीछे जाएंगे, लेकिन जिस घर के बच्चे को, जिस घर के कफील को, जिस घर के वारिस को उन्होंने शहीद किया है, कत्ल किया है, तो उनके घर वालों पर क्या बीतेगी। तो ये बस इतना सा पैगाम है, मुझे बहुत दुख है। अल्लाह पाक ज़ुबैर अज़ीज़ की मग़फ़रत फ़रमाए। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।